हम मत हिलबे न करी जब तक हुरल न जाई, हिस्सा तब तक न मिली जब तक हम हने मिल के लड़ल न जाई। वो पुलिस वाला नहीं होता तो यूपी की सियासत को ओपी राजभर नहीं मिलता। जी, एक ऐसा राजनेता जो आज यूपी के चुनावी माहौल में सियासत की धुरी बना हुआ है, जो योगी सरकार में मंत्री रह चुका है, जिसने अपने हक की लड़ाई के लिए अपनी ही सरकार से बगावत कर ली, जो आज यूपी की सत्ता का एक तरह से किंग मेकर है, वो कोई और नहीं बल्कि ओम प्रकाश राजभर है। लेकिन ओम प्रकाश राजभर आज जो कुछ भी है वो सिर्फ और सिर्फ एक पुलिस वाले की वजह से। जी, इसकी कहानी बड़ी ही दिलचस्प है, वो कहानी बताएंगे। लेकिन पहले जान लीजिए कि ओम प्रकाश राजभर, जो उत्तर प्रदेश की राजनीति का जाना माना चेहरा है, वो आकर यहाँ तक पहुँचे कैसे। एक मामूली छात्र जो कि टेम्पो चलाकर परिवार की आर्थिक मदद करता था, वो आज यूपी की सियासत का ड्राइवर कैसे बन गया। तो अपने इस वीडियो में आपको ओपी राजभर से जुड़ी हर वो जानकारी देंगे जो आपको और कहीं नहीं मिलेगी। टेम्पो चलाया, सब्जी बेची। ओम प्रकाश राजभर का जन्म वाराणसी के फतेहपुर फौंदा सिरोंधा गाँव में हुआ था। उन्होंने साल 1983 में वाराणसी के बड़ा गांव स्थित बलदेव डिग्री कॉलेज से स्नातक किया। राजनीति शास्त्र से परास्नातक हैं। पैसों की कमी की वजह से पढ़ाई के दौरान वाराणसी में पहले टेम्पो चलाते थे, बाद में एक जीप खरीदी। गांव में सब्जी की खेती भी करते रहे। राजनीतिक करियर। राजभर ने राजनीति 1981 में काशी राम के समय से शुरू की। भदोही का नाम बदलकर संत कबीर नगर रखने से नाराज थे। 2001 में राजभर का बहुजन समाज पार्टी में मायावती से विवाद हो गया। इसके बाद उन्होंने खुद अपनी पार्टी बना ली। 2004 से चुनाव लड़ रही सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने यूपी और बिहार के चुनाव में अपने प्रत्याशी खड़े किए, लेकिन ज्यादातर मौकों पर जीतने से ज्यादा खेल बिगाड़ने वाले बने रहे। 2012 यूपी विधानसभा चुनावों में बाहुबली मुख्तार अंसारी की पार्टी से भाजपा का गठबंधन हुआ, उससे मुख्तार परिवार को फायदा हुआ और 2012 के चुनावों में मोहम्मदाबाद और मऊ सदर सीट पर अंसारी बंधु जीते। 2014 में भी ओम प्रकाश राजभर के बीजेपी के साथ आने की चर्चा थी, पर तब गठबंधन नहीं हुआ। 2017 में मिला सत्ता का सुख। साल 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ गठबंधन करके ओम प्रकाश राजभर ने सत्ता के साथ रहने का सुख पा लिया। वैसे राजभर ने पहले मुख्तार अंसारी के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, लेकिन बाद में वो पीछे हट गए। यूपी की भाजपा नेतृत्व वाली सरकार में पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री रहे। वर्तमान में वो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के मौजूदा विधायक हैं और उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री। ओम प्रकाश राजभर का विधानसभा क्षेत्र जहूराबाद विधानसभा क्षेत्र है, गाजीपुर जिला है, उत्तर प्रदेश राज्य। 20 मई 2019 को राजभर को गठबंधन विरोधी गतिविधियों की वजह से योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया गया था। सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष। मायावती से विवाद के बाद बसपा से अलग हुए ओम प्रकाश राजभर ने 2004 में राजभर समुदाय के प्रतिनिधित्व करने के लिए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का गठन किया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ही हैं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह छड़ी है। इस बार सपा से गठबंधन। इस बार यूपी चुनाव में ओपी राजभर और अखिलेश यादव की पार्टी के बीच गठबंधन है। 2017 के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में थे, सत्ता का सुख भी भोगा, मंत्री भी बने, लेकिन अब भाजपा के साथ हुए विवाद के बाद समाजवादी पार्टी के साथ आ गए हैं। पुलिस वाले की वजह से शुरू हुआ सियासी सफर, और अब वो कहानी जो हमने आपको शुरुआत में बताई थी। ओम प्रकाश राजभर के सियासत में आने के पीछे एक पुलिस वाले का बहुत बड़ा हाथ था। वो ऐसे कि ओम प्रकाश राजभर को उनके छात्र जीवन के दौरान काशी राम से एक पुलिस वाले नहीं मिलवाया था। राजभर ने तब तक काशी राम के बारे में सिर्फ सुना ही था और वो उनसे बहुत प्रभावित थे, लेकिन कभी मुलाकात नहीं हुई थी। राजभर का ये सपना उनके दोस्त के पिता, जो कि रेलवे में इंस्पेक्टर थे, उन्होंने पूरा करवा दिया और काशी राम की एक जनसभा के दौरान राजभर का काशी राम से परिचय करवा दिया। तब से राजभर को काशी राम नाम से पहचानने लगे। राजभर भी काशी राम के लगभग हर जनसभा में पहुँचने लगे और उसी के बाद 1981 में काशी राम के साथ सियासी सफर शुरू हुआ। तो ये थी उस राजनेता की कहानी जिसने संघर्ष और मेहनत के बल पर यूपी की सियासत में अपनी खुद एक अलग पहचान बनाई, लेकिन ये पहचान भी तभी बन पाई जब एक पुलिस वाले ने काशीराम से उनकी मुलाकात करवाई। ब्यूरो रिपोर्ट। सब्सक्राइब कीजिए पुलिस मीडिया न्यूज को और पुलिस महकमे से जुड़ी हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को भी दबाएं। पुलिस मीडिया न्यूज, एक सकारात्मक सोच।